हमारे स्टूडेंट्स वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीज क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर फोर्थ। नाउ टुडे विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर फिफ्थ, एयर एंड वाटर। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ। जो एयर और वाटर होते हैं वो हमारे लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एयर इज मेनली यूज फॉर ब्रीदिंग एंड वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग। जो हवा होती है उसका यूज हम सांस लेने में करते हैं और जो पानी होता है उसे हम पीने के रूप में यूज करते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। और हमारे अर्थ के आसपास जो एक सराउंडेड है उसे बोलते हैं हम एटमोस्फेयर। ब्लैंकेट मीन्स कंबल जैसा एक सराउंडिंग एरिया है उसे बोलते हैं एटमोस्फेयर, या हिंदी में बोल सकते हैं हम वातावरण। अ कंटेन मेनी गैसेस, और इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जितने भी लिविंग थिंग्स से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वाटर सस्टेन्स लाइफ। इट इज फाउंड इन दी थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द अर्थ। और जो पानी होता है वो हमारे अर्थ पे तीन रूप में पाया जाता है, सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स तरल, गैस के रूप में पाया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू नीड एयर एंड वाटर टू स्टे अलाइव। आपको पानी की और हवा की जरूरत जिंदा रहने के लिए चाहिए। यू मेनली यूज एयर फॉर ब्रीदिंग एंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ओके, एयर की जरूरत हमें सांस लेने के लिए और वाटर की ड्रिंकिंग मीन्स पीने के लिए। एयर इज ऑल अराउंड। एयर हमारे आसपास सभी जगह प्रेजेंट है। यू कैन नॉट सी बट देयर यू कैन फील इट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग। आप उसे देख नहीं सकते लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं जब वो मूव होती है, चलती है। द मूविंग और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। और चलती हुई हवा, जो हवा यहाँ से वहां चलती तो उसे बोलते हैं वाइंड। हाई स्पीड वाइंड कैन अप्रूट ट्रीज। तो वो क्या करती है, पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ देती है। अब होता है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर में कितने प्रकार के कॉम्पोजिशन है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। जो हवा होती है उसमें बहुत सारी गैसेज मिक्स है। इट मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 78%, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और जो रिमेनिंग बची हुई गैसें हैं वो 1%। आपको ये पिक्चर दिख रहा है, डायग्राम, गैसेस प्रेजेंट इन एयर। ये है हमारी ऑक्सीजन, ये है हमारी नाइट्रोजन और ये है हमारी अदर गैसेस। ओके, अब नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, ऑर्गन, हीलियम, नियोन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। जो 1% उसमें ये सभी गैसेस प्रेजेंट है और साथ में वाटर वेपर मीन पानी की वाष्प भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नीड इट टू ब्रीथ एंड टू स्टे अलाइव। ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों होती है, सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द कॉम्प्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। और जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी प्रकार प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड गिव ऑक्सीजन इन द डे टाइम। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में, एंड हमें क्या देते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं बट एट नाइट। उसी प्रकार रात के समय प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सो यू शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्रीज। इसीलिए आप रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सो सकते हैं। द प्रोसेस मेंटेन द प्रॉपर रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो प्रोसेस होती है वो प्रॉपर रेशो में होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में बराबर मात्रा के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमिडिटी। द एयर इन द कोस्टल एरियाज इज मोर ह्यूमिड ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी।
देखिए जो कोस्टल एरिया रहते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमिड होता है। जो सी के आसपास का जो एरिया होता है मीन्स समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, द एयर ओवर द डेजर्ट इज वेरी ड्राई, इट्स वेरी ड्राई। देखिए जो डेजर्ट एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सूखा होता है। ह्यूमिड एंड एयर मेक्स यूअर स्वीट एंड अनकंफर्टेबल। और जो ह्यूमिड एरिया होता है, जो ह्यूमिड हवा रहती है, वो क्या करती है, आपको पसीना देती है, पसीना निकालती है, पसीना बनाती है एंड अनकंफर्टेबल फील करवाती है। दिस इज द रीजन वाई अ वार्म डे इन रेनी सीजन मेक्स अनकंफर्टेबल। इसीलिए यही रीजन क्यों है कि जो दिन के समय में जो रेनी सीजन होता है वो अनकंफर्टेबल क्यों रहता है। अब नेक्स्ट आता है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। हमारी जो एयर है उसके अंदर डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंट है। डस्ट मीन्स धूल, स्मोक मीन्स धुआं। द मोर इज द स्मोक एंड डस्ट द मोर इज द पॉल्यूटेड एयर। द मोर इज द स्मोक, जो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा डस्ट और स्मोक धुआं होगा जो हमारी एयर को पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषित करेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की प्रॉपर्टीज, इफ यू फील एयर इनसाइड अ बलून यू विल सी दैट द साइज ऑफ बलून इंक्रीज। इफ यू फील, यदि आप एक बलून में हवा भरकर उसे फेंकेंगे, यू विल सी डेट द साइज ऑफ बलून इंक्रीज, तो उसका साइज भी कैसा होगा, बढ़ जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन वेट, तो उसके वेट में भी डिफरेंस होगा। एंड इन्फ्लेटेड बलून्स हैज मोर वेट देन अ डिफ्लेटेड वन। देखिए जो इन्फ्लेटेड बलून होते हैं, जो इन्फ्लेटेड मीन्स जो फुलाया हुआ बलून रहता है उसका वेट ज्यादा रहता है डिफ्लेटेड वन की, जो एक बलून जिसकी हवा निकाल दी उससे ज्यादा। दिस और देट हैज एयर वेट, यही दर्शाता है कि जो एयर होती है उसमें वेट मीन्स वजन होता है। अ डिफ्लेटेड बलून ऑक्यूपीज लेस स्पेस। डिफ्लेटेड मतलब होता है जिसकी हवा निकाल दी गई हो, ऐसे बलून लेस स्पेस, उनमें स्पेस की कमी होती है। द वॉल्यूम ऑफ इन्फ्लेटेड बलून इंक्रीज, और वही जो फुलाया हुआ बलून रहता है उसकी जो वॉल्यूम रहता है, उसका जो आयतन रहता है वो बड़ा हुआ रहता है। दिस सो दैट एयर ऑक्यूप स्पेस, और ये दर्शाता है कि एयर ऑक्यूपीज स्पेस मीन्स एयर में स्पेस भी होती है। ऑन पुशिंग एयर इन अ बलून, यदि आप किसी बलून को पुश कर रहे हैं, इट इज साइज इंक्रीज, तो उसका साइज भी इंक्रीज होगा मीन्स बढ़ेगा। ऑन पुशिंग मोर एयर इन टू इट, और उसे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पुश करेंगे तो द बलून बस्ट, तो क्या होगा, वो बलून फूट जाएगा। वाई, ऐसा क्यों, बिकॉज द बलून कुड एक्सपेंड ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा इसलिए कि उनकी जो बलून है केवल एक लिमिट समय तक ही वो फूल सकता है, फुलाया जा सकता है। इट बस्ट बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बलून, और वो फूट इसलिए जाता है क्योंकि उसके जो एयर का प्रेशर रहता है बलून के अंदर, उसे वो क्या करता है, प्रेस दबाव बनाता है बीकम मोर देन उस हवा को बाहर आने के लिए बलून से। दिस सो देट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो ये दर्शाता है कि एक्सर्ट प्रेशर, इसका मतलब कि वो हवा पर दबाव डालता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट यूजेस ऑफ एयर। अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा यूज की जाती है। ऑल द गैसेस इन द एयर हैव देयर इंडस्ट्रियल यूजेस, और जितनी भी गैसेस होती है वो सब क्या, इंडस्ट्रियल यूजेस में भी उपयोग की जाती है। नाइट्रोजन यूज टू प्रेशराइज एयरसोल कैंस, जो नाइट्रोजन का यूज होता है वो प्रेशराइज एयरसोल कैंस में यूज होता है। ऑक्सीजन का यूज मेडिसिन, स्टील मेकिंग एंड मेटल कुकिंग बनाने में किया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग बबल्स एंड फिजी ड्रिंक्स में किया जाता है, जो ड्रिंक्स वगैरह जो आप पीते हैं उनमें किया जाता है बबल्स बनाने के लिए। ऑर्गन गैस जो होती है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम वेल्डिंग मेटल एंड सच एज एल्यूमिनियम, मेटल्स की जो धातु होती है उनकी वेल्डिंग करने के लिए की जाती है, लाइक जैसे एल्यूमिनियम। नियोन गैस का यूज एडवर्टाइजिंग ग्लो साइन बोर्ड, नियोन गैस का यूज हम एडवर्टाइजिंग जो बोर्ड देखे होंगे आपने, स्क्वायर आपने रास्तों पर बोर्ड लगे हुए, बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर लगे हुए देखेंगे, तो उनके उनमें जो गैस यूज होती है वो नियोन गैस यूज होती है। ज़ीनॉन इज द गैस विच इज यूज इन फोटोग्राफर इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश, और जो फोटोग्राफी में गैस यूज होती है वो ज़ीनॉन गैस यूज होती है उनके इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश के लिए। ओके सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।